हेलो क्लास, वेलकम टू कॉर एकेडमी एंड आई एम सोनिया। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देख लिया है इस चैप्टर में, हमने रिलेशन पढ़ लिया है एंड हमने फंक्शन भी एज अ रिलेशन भी देख लिया हमने एंड फंक्शन एज अ रूल भी हमने एक तरीके से उसको विजुअलाइज कर लिया कि वो इनसाइड उसके डीपर मीनिंग में हम रिलेशन में जाके देख लिया हमने एंड एज अ रूल हम फंक्शन को कैसे विजुअलाइज करते हैं हमने लास्ट क्लास में ये देख लिया था, राइट। एंड ऑल्सो हमने रियल फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है ये भी देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे कुछ रियल फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली हम सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने रिलेशन को देखा था, राइट। तो रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट, एंड सेट फिल्टर फॉर्म में भी एंड ऑल्सो हम एरो डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। बट हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि फंक्शन को हम एज अ रूल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट, एज अ रूल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम देखेंगे हम कुछ रियल फंक्शन क्या होते हैं, हम उनके नाम से एंड उनके बिहेवियर से देखेंगे कि वो फंक्शन क्या होते हैं, उनके ग्राफ क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला फंक्शन हम देखेंगे जो कि क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो एक रियल फंक्शन ही होता है। तो नाउ लेट्स सी आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो जैसे हम नाम से ही देख सकते हैं आइडेंटिटी क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल, आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब जो सेम ही हो, करेक्ट। तो हम नाम से ही क्या बोल सकते हैं कि आइडेंटिटिकल मतलब हम अगर हम x देंगे किसी फंक्शन को तो वो हमें एफ एक्स की वैल्यू भी क्या देगा, सिमिलरली देगा। तो फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब हम इसको x दे रहे हैं, राइट। हमारा जो डोमेन है वो तो सेट ऑफ x है, करेक्ट। जो हम x दे रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं दोनों में, वो सेम नंबर ही दे रहा है वो फंक्शन, राइट। यहाँ पे क्योंकि हम देख सकते हैं अगर हम x 1 लेंगे तो हमारा एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स भी 1 ही होगा। x अगर हमने 2 लिया तो हमारा एफ एक्स भी क्या होगा, 2 ही होगा, एंड सो ऑन। हम कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले लें, चाहे हम 100 लें, चाहे 200 लें, चाहे 300 लें, अगर हम 100 लेंगे तो एफ एक्स 100 देगा, मतलब वो सिमिलर नंबर ही हमें रिटर्न करता है एक तरीके से। नाउ लेट सी कि हम इस फंक्शन को थ्रू ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ग्राफ जब लेते हैं तो ग्राफ में हमारे बेसिकली क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, करेक्ट। तो जो ये y होगा एंड ये x होगा, तो हमें तो पता है कि जो x है, x एक्सिस में जो ये x की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट होगी, करेक्ट। तो ये एफ एक्स जो है वो कहाँ रिप्रेजेंट होगा, वो तो y में रिप्रेजेंट होगा, मतलब हमारा y क्या हो जाएगा, y हमारा बेसिकली y ही क्या होगा, एफ ऑफ x हो जाएगा, करेक्ट। यही हमारा y ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू x, यही हमारा फंक्शन हो जाएगा टोटल, मतलब जो एक्स हमारा जो भी इमेज दे रहा है वो वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट होगा, करेक्ट। नाउ अब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा हम वो देखेंगे। हम इसमें 1, 2 मार्क कर लेते हैं, इसमें नंबर्स हम 5, 6 एंड 7 तक ले लिया हमने, सपोज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स भी हमारे इस तरह से आ जाएंगे। अरे तो नाउ अब हम आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नाउ हम क्या करेंगे, सीधे को x इज इक्वल टू 1 है तो हमारा f ऑफ x क्या है, 1 है, मतलब x 1 है तो हमारा y भी 1 आ रहा है, तो हमारा ये पॉइंट आएगा, करेक्ट, 1 एंड 1 का कि x में हमने 1 लिया एंड हमारा y 1 लिया तो हमारा ये पॉइंट आ गया। सिमिलरली हम 2 लेंगे जब तो हमारा f ऑफ x कितना आएगा, हमारा f ऑफ x भी 2 ही आएगा तो ये पॉइंट आ गया। सिमिलरली 3 लेंगे तो हमारा 3 ये पॉइंट आ जाएगा एंड 4 हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से हम जितने भी इनफाइनाइट इधर नंबर ले लेंगे ये
हमारे सेम वैल्यू से देता जाएगा। सिमिलरली जब हम नेगेटिव नंबर मिलेंगे, अगर हम x इज इक्वल टू माइनस वन लेंगे तो भी हमारा एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, माइनस वन ही आएगा, राइट। जो नंबर हमने दिया हमें वही नंबर वापस मिल गया, मतलब माइनस वन का ये माइनस वन हम लेंगे तो हमें माइनस वन ही देगा। माइनस टू हमने लिया तो हमें माइनस टू ही दिया, एंड माइनस थ्री लिया तो माइनस थ्री लिया। तो इस तरह से हमें इस ग्राफ के कुछ पॉइंट्स मिल गए, इस फंक्शन के कुछ पॉइंट्स मिल गए जो कि इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम क्या कर लेंगे, हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा कुछ इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, ये भी इधर उधर हो रहा है इसलिए थोड़ा सा टिल्टेड है, बट एक्चुअली में ये क्या आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन ही आना चाहिए, जीरो जो कि जीरो को क्रॉस करते हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम एक्स जीरो लेंगे तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब जीरो कॉमा जीरो वाला जो पॉइंट है वो भी हमारा इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। एंड ये स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि एक्स के वन, जो कि वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर या फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस पॉइंट से होके जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसमें हम सेम जो नंबर दे रहे हैं हमें वो फंक्शन वही नंबर सेम नंबर ही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा एंड इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो ना डोमेन क्या होता है, डोमेन इज बेसिकली सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, करेक्ट। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स तो मतलब हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ में ही देख सकते हैं हम कि ये सारे रियल, देखो जीरो से लेके जिसने वन पे भी पॉइंट दिया, अगर यहाँ पे 0.5 लेंगे तो यहाँ पे 0.5 लेगा, मतलब ये सारे पॉजिटिव नंबर्स पे भी क्या दे रहा है, एक नंबर ही दे रहा है, एंड इधर भी पॉजिटिव नंबर पे भी डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो अगर हम सारे रियल नंबर का रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या है हमारा, रेंज क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एट विच, लाइक हमें क्या देखना है कि इन इस डोमेन के लिए जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है उस फंक्शन उस पॉइंट पे हम उसका एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, तो उनका जो सेट होगा वो हमारा रेंज होगा। तो अगर डोमेन आर है तो हमारा रेंज भी क्या होगा, आर ही हो जाएगा, क्योंकि सी अगर ये पूरा बेसिकली हम देखेंगे तो हमारा x जो है, हर x है वो एफ एक्स से इक्वल है, राइट। तो हमारा अगर डोमेन आ रहा है तो रेंज भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पहला फंक्शन हमने कवर कर लिया, आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन से ही हम बोल सकते हैं, जैसे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन से हम बोल सकते हैं, आइडेंटिकल ले लिया हमने कि सेम, तो हम क्या करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन में हम सेम जो भी नंबर दे रहे थे हमें सेम नंबर वापस मिल रहा था, राइट। तो सिमिलरली कॉन्स्टेंट फंक्शन में क्या होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन मतलब हम कोई भी रियल वैल्यू दे हमें एक ही कॉन्स्टेंट नंबर ही मिलेगा, राइट। मतलब ये फंक्शन क्या होता है, बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, या वन टू थ्री फोर फाइव कोई भी नंबर हो गया, जैसे कि हम ले लेते हैं कि सी हमने ले लिया कि सी हमारा थ्री है, ठीक है। तो ये जो आया हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये हमारा एक कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, मतलब हम एक्स की कोई भी वैल्यू दें इसमें, हम एक्स की कोई भी वैल्यू दें, वन देंगे तो भी हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, थ्री ही मिलेगा, टू देंगे तो भी हमारा एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, हमें थ्री ही मिलेगा। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव नंबर भी देंगे, ओके नेगेटिव नंबर भी हमने दिया, अगर हम एक्स माइनस वन देंगे तो भी हमारा एफ ऑफ एक्स थ्री ही आएगा, एंड ऑल्सो अगर हम जीरो भी दें तो भी हमारा एफ ऑफ एक्स थ्री आएगा, मतलब कोई भी वैल्यू दे लो एक्स की कोई भी वैल्यू, हमें वो फंक्शन ये थ्री ही देगा, बिकॉज
ये एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड कांस्टेंट फंक्शन में एक फंक्शन हमारा एक कांस्टेंट के इक्वल ही होता है. ओके नाउ लेट्स सी इसका ग्राफ क्या होगा. हम इस फंक्शन को लेके हम इसका ग्राफ निकालेंगे. ओके हम इस तरह से ये हमारा करेक्ट तो 1, 2, 3 एंड 4 -9, -2, 1, 2 एंड 3 ये हमने इस तरह से ले लिया. तो ये तो हमारा क्या हो गया x एक्सिस हो गया एंड ये y y क्या रिप्रेजेंट करेगा f ऑफ x को. करेक्ट. तो अब हम देखेंगे कि जब हम x 0 लेंगे जब हमने x 0 लिया क्या आया 3 आया ये पॉइंट आया. करेक्ट. बल लिया क्या आया 3 आया अगेन यही पॉइंट आया. देन ये आया 2 में लिया 3 लिया तो भी 3 आया. -1 लिया तो भी 3 आया. -2 लिया तो भी 3 आया. -3 लेंगे तो भी 3 आएगा. माइनस मतलब हम कोई भी नंबर लेंगे कोई भी हम x एक्सिस में कोई भी नंबर लेंगे हमें y क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा. मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी एंड जो कि y इज इक्वल टू 3 पे कट करेगी. राइट. जो कि y इज इक्वल टू 3 ये बेसिकली ये लाइन क्या है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 3 है बट ऑल्सो y इज इक्वल टू f ऑफ x का मतलब ये लाइन क्या है हमारी y इज इक्वल टू 3. नाउ सी y इज इक्वल टू 3 इस हर पॉइंट पे इस लाइन के हर पॉइंट पे y हमारा क्या है 3 है. राइट. हर पॉइंट पे चाहे x कुछ भी हो x 1 पे भी 3 है x इक्वल टू 2 पे भी y 3 है x इक्वल टू 3 पे भी y 3 है हमारा. तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है. यहाँ पे ये 3 y इज इक्वल टू 3 इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिया है 3 लिया है. अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 4 लेते तो हमारा जो लाइन है वो 4 से होता हुआ जाता जो कि x एक्सिस के पैरेलल होता. ठीक है. तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन हम कोई भी नंबर दे हमें वो एक कांस्टेंट नंबर ही देगा हमेशा. ठीक है ना. लेट्स सी किसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा. तो डोमेन क्या होता है कि जिस पे जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो. तो ना सी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है ये आगे भी हम आगे बढ़ते जाएंगे तो भी ये 3 ही देता जाएगा एंड इधर भी हम बढ़ते जाएंगे तो भी हमें 3 ही देता जाएगा. मतलब इसका डोमेन क्या होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. एंड रेंज क्या हो जाएगा. रेंज क्या होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स. राइट. जहां पे हमारा जिन पॉइंट्स के लिए जिन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड होता है. तो यहाँ पे हमारा रेंज क्या है हम देख लो. हम कोई भी रियल नंबर लेते हमारा आंसर क्या आ रहा है हमारा फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है 3 ही दे रहा है. मतलब रेंज हमारा यहाँ पे सिर्फ 3 है. मतलब जो हमारा कॉन्स्टेंट नंबर होगा रेंज वही होगा. राइट. तो रेंज तो हमारा 3 होगा बट हमारा को डोमेन क्या होगा. को डोमेन तो हमारा हम आर ही लेंगे. राइट. क्यों. क्योंकि को डोमेन हमारा आर ही है एक तरह से बिकॉज 3 जो है वो आर का सबसेट ही है. ठीक है. तो ये फंक्शन एक तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं फंक्शन आर टू आर होगा. राइट. रियल फंक्शन. रियल फंक्शन तो है ये बस इसका रेंज हमारा सिर्फ 3 आएगा क्योंकि हमेशा हमें वो फंक्शन हमेशा 3 ही दे रहा है चाहे हम कोई भी नंबर ले. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फंक्शन. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन. तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा हुआ है. पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन राइट ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन एन टू द पावर एक्स एन. करेक्ट. यहाँ पे एन हमारा क्या होता है कोई इंटीजर होता है. राइट. एंड ए वन से ए वन एन एन तक भी हमारे कुछ रियल नंबर्स होते हैं. करेक्ट. तो ये हमारा बेसिकली पॉलिनोमियल होता है. तो हम ये तो पूरा अभी नहीं ले सकते हम एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर हमारा एक पॉलिनोमियल होता है. करेक्ट. तो हम एक्स स्क्वायर लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है सपोज. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का वो क्या होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके
एंड ऑल्सो हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि ये दोनों फंक्शन थोड़े इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसलिए हम इन दोनों का ग्राफ देखेंगे कि इन दोनों का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे अगर हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं एक्स की, वो उसका हमें स्क्वायर दे रहा है एंड यहाँ पे उसका क्यूब दे रहा है, करेक्ट। वो हम यहाँ पे बेसिकली किसी भी नंबर जो भी देंगे, हम वन दिया तो हमें वन देगा, वो टू देंगे तो हम टू का स्क्वायर फोर देगा, सिमिलरली थ्री दिया हम तो नाइन देगा, करेक्ट। तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा टफ नहीं होगा, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे भी हमारा वाई क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हो सकते हैं एक्स स्क्वायर, करेक्ट। एंड ये हमारा x को रिप्रेजेंट करेगा, वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। नाउ लेट्स सी, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने जीरो दिया इसको, सपोज जीरो देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो ही, मतलब ये पॉइंट हमारा इस ग्राफ में इंक्लूड होगा, जीरो कॉमा जीरो। नाउ हम वन देंगे तो हमें वन मिलेगा, बट ऑल्सो हम वन हमें कब मिलेगा, अगर हम इसको माइनस वन देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस ही हो जाएगा, तो इसका भी हमें वन ही मिलेगा, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। नाउ हमने जब टू दिया तो हमें फोर मिला, माइनस टू दिया तो भी फोर मिला, देन थ्री में हमें मिलेगा क्या, नाइन, करेक्ट। एंड माइनस थ्री में भी हमें सिमिलरली नाइन मिला, बिकॉज माइनस थ्री हो चाहे थ्री हो, दोनों का स्क्वायर क्या होता है, नाइन होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, बिकॉज हम फोर का नहीं ले सकते, हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जब ज्वाइन करेंगे इस तरह से, राइट, हमने जब इनको ज्वाइन किया तो हमें कुछ इस तरह सा इस टाइप का कर्व मिलेगा, जो कर्व क्या कहलाता है, हमने अभी नहीं पढ़ा है कि कर्व क्या होता है, बट इस टाइप के कर्व को हम पैराबोला बोलते हैं। ये जो कर्व बना है ये पैराबोला कहलाता है, ओके। ये हम आगे ये चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो इसका भी नाम जस्ट रिमाइंड याद रख लो, पैराबोला होता है। तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, f of x is equal to x square का, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया x square का, और ये बेसिकली क्या है, हमारा y is equal to x square है, राइट। तो ये फंक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ हम देखेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो सी ये जीरो पे भी हमें रिजल्ट दे रहा है, एंड फिर ये पॉजिटिव हम जितना जा रहे हैं, हमें हर रियल नंबर का एक स्क्वायर होता है, करेक्ट, हर रियल नंबर का, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निकाल लो, तो हम डोमेन क्या होगा इसका, हमारा डोमेन क्या होगा, हमारा डोमेन रेंज हो जाएगा, सॉरी डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, करेक्ट। नाउ रेंज देखते हैं हमारा रेंज क्या होगा, तो रेंज में सी रेंज क्या, हमारा बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल वाइज, करेक्ट, या ऑल एफ ऑफ एक्स। तो जब y की वैल्यूज देखोगे तो तुम y की वैल्यूज देखो, y की सारी वैल्यूज, चाहे तुम x पॉजिटिव लो तो भी हमें पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है, x अगर तुम नेगेटिव ले रहे हो तो भी हमें y क्या दे रहा है, पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है, करेक्ट। तुम बोल सकते हैं रेंज क्या हमारा, रेंज हमारा r प्लस है, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, रेंज इसका क्या होगा, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, करेक्ट। तो इसका डोमेन तो सारे रियल नंबर होंगे, बट इसका रेंज जो आएगा हमें वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही देगा, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लेते हैं तो भी हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, करेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर वाला जो हमने लिया, अब हम देखते हैं कि क्यूब में क्या होगा, कि क्यूब में हमें क्या ग्राफ मिलेगा, ओके। तो क्यूब में ये हमारा क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, करेक्ट। तो जब हम जीरो लेंगे एक्स, जीरो हमने एक्स लिया तो हमें वाई क्या देगा, वाई भी हमें जीरो ही देगा। हम वन लेंगे
पहले प्रिंटिंग कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. -2, -3, -4 and -5. ओके तो 9 अगर हम 1 लेंगे तो 1 क्या देगा हमें? 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है. तो 1 लेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये पॉइंट ही आएगा. हमें ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, राइट. तो हमें अभी कुछ और पॉइंट्स भी चाहिए, तभी हम इसका ग्राफ डिसाइड कर सकते हैं. तो हमने 1 लिया तो हमें 1 मिला. बट अगर हम -1 लेंगे तो -1 का क्यूब क्या आता है? -1 का क्यूब -1 ही आता है, राइट. हमारा ये पॉइंट भी आ गया हमारे पास. तो हमें ये 3 पॉइंट अभी मिल गए हैं. अब हम देखेंगे कि 2 लेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, करेक्ट. सिमिलरली -2 लेंगे तो हमारा -2 का हमारा आता है, मैं बस 6 ले लिया, -7, -8, हमारा पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा, करेक्ट, यहाँ कहीं पे आएगा. सिमिलरली हम 3 लेंगे तो हमारा पॉइंट इधर कहीं पे आएगा ऊपर में, करेक्ट. तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा ग्राफ जो है इधर ऐसे इंक्रीज होता जाएगा. तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा इसका. हमने क्या किया? सबको ज्वाइन कर दिया तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होगा. y हमारा बेसिकली क्या है? y तो हमारा f ऑफ x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमारा ये ग्राफ जो होगा वो x क्यूब के लिए ये ग्राफ हमारा होगा. नाउ सी इसमें डोमेन क्या है हमारा? डोमेन, तो हम डोमेन में हमारा रियल नंबर नहीं सेट होगा, राइट, क्योंकि हम सारे रियल नंबर का क्या कर सकते हैं? क्यूब निकाल सकते हैं, सारे डिफाइंड भी होंगे. तो इसलिए डोमेन हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा. व्हाट अबाउट रेंज? रेंज क्या होगा? अगर सारे रियल नंबर का हम जो भी क्यूब लेंगे वो क्या आएगा? वो भी एक रियल नंबर ही आएगा. तो डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगा एंड रेंज भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर होगा. ओके तो ये हो गया हमारा पॉलीनोमियल फंक्शन. कितने फंक्शन देख लिया हमने? 3 फंक्शन, राइट, आइडेंटिटी फंक्शन, कॉन्स्टेंट एंड पॉलीनोमियल. ओके तो जब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है? रैशनल फंक्शन. तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? बेसिकली 2 फंक्शन जो कि रैशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं, मतलब जी ऑफ एक्स वाई एच ऑफ एक्स, ये हमारा रैशनल फंक्शन होता है. इसमें जी ऑफ एक्स एक अलग फंक्शन है, एच ऑफ एक्स एक और फंक्शन. ओके नाउ लेट्स सपोज कि हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या हमारा, जी ऑफ एक्स हमारा एक्स प्लस टू है एंड एच ऑफ एक्स हमारा एक्स प्लस 3 है. जस्ट एज्यूम कर लिया हमने वो फंक्शन ले लिया, ठीक है. तो ये जो फंक्शन आया हमारा, यही फंक्शन क्या था हमारा? रैशनल फंक्शन. ओके अभी तो हम इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे बिकॉज इसका ग्राफ बहुत ही ज्यादा काम है उसमें, एंड इस तरह के ग्राफ हमें ड्रॉ करने भी नहीं आते. ये बेसिकली कंप्यूटर वर्क होता है, हम उसके थ्रू ड्रॉ करते हैं. तो लेकिन रैशनल फंक्शन में हम एक फंक्शन है जो पढ़ेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x. यहाँ पे क्या हुआ? जी ऑफ एक्स क्या हो गया? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वो क्या हो गया? हमारा आइडेंटिटी फंक्शन. करे तो हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन का फ्रैक्शन ले लिया एंड उसको फिर हम रैशनल फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं एंड फिर हम इसका ग्राफ क्या होगा हम वो देखेंगे अभी, ठीक है. तो हम ये वाला जो हमने पहले रैशनल फंक्शन लिया था, हम इसका ग्राफ तो नहीं देखेंगे बट हम इसमें देख सकते हैं, हम इसका डोमेन एंड रेंज डिसाइड कर सकते हैं. इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा इसका? नौ हमें क्या चाहिए होता है कि जिस पे ये फंक्शन डिफाइन हो वो सारे वैल्यूज, राइट. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स प्लस 3 है, मतलब अगर हम एक्स माइनस 3 रखेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि फंक्शन पे नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो इसलिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? r माइनस 3. हमने
रियल नंबर के सेट से माइनस थ्री हटा दिया, माइनस थ्री हटा दिया, फिर जितने भी रियल नंबर होंगे उनके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा एंड हर रियल नंबर के लिए वो एक रियल नंबर ही देगा, इसलिए हमारा रेंज आर ही हो जाएगा। ओके, ये इसका डोमिनेंट रेंज हो गया। तो इस तरह से हम डोमिनेंट रेंज किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं। नाउ हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x जो हमें दिया है, हम इसका ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x देख के बता सकते हैं राइट कि कौन से पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा, कौन से पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा, जीरो पे नहीं होगा राइट। अगर हम एक्स जीरो ले लेंगे तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/0 जो कि नॉट डिफाइन होता है। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस जीरो, डोमेन हमारा आर माइनस जीरो है, मतलब हम 0.0 का जो पॉइंट है वो नहीं लेंगे, बाकी हम सारे पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर हमने इसमें जीरो तो हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हम जीरो नहीं इंक्लूड करेंगे, जीरो हमारा छूट जाएगा राइट। उसके बाद अगर हम वन लेंगे तो वन आएगा तो हमारा क्या देगा, ये वन ही रिटर्न करेगा हमें, तो हमारा ये पॉइंट कंसिडर करेगा एंड माइनस वन लेंगे तो हमारा माइनस वन ही आएगा, तो ये पॉइंट, दो पॉइंट हमें मिल गए। नाउ अब हम देखेंगे कि अगर हमने टू रखा, अगर हम टू रखेंगे तो हमारा 1/2 आएगा जो कि यहां कहीं पर होगा राइट। टू रखेंगे तो हमारा 1/2 आएगा एंड अगर हम एक्स 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा, अगर हम एक्स 1/2 रखेंगे तो हमारा 2 आएगा करेक्ट। सिमिलरली अगर हम -2 रखेंगे, अगर हमने -2 रखा तो हमारा -1/2 आएगा, अगर हम -1/2 रखेंगे तो हमारा आंसर -2 आएगा। तो इस तरह से जब हम पॉइंट्स करेंगे यहाँ पे तो हमारे यहीं पर ही सारे पॉइंट्स आएंगे एंड हम इनको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं फिर हमारा ये इस तरह से ज्वाइन होगा जो कि इस एक्सिस को तो कट नहीं करेगा कहीं पे बट वो उसके पास जरूर जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन आएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। अगर हम हर एक पॉइंट का ले, जैसे हमने 2 लिया, -2 लिया, -1/2 लिया, माइनस सिमिलरली हम 3 लेंगे तो हमारा -1/3 आएगा, यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा करेक्ट। एंड हमने -1/3 लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो हमारा -3 आ जाए। तो इस तरह से जब हम लेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का। नाउ सी, हमने डोमेन में से तो 0 हटा दिया राइट, बट अगर हमें रेंज में 0 चाहिए, मतलब हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 चाहिए, अगर हमें चाहिए कि एफ ऑफ एक्स 0 हो, तो ये 0 कब पॉसिबल है, जब हमारा एक्स क्या होना चाहिए, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स क्या हो जाएगा एक तरह से 1/f(x). तो अगर हमारा f(x) 0 होगा तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अगर एक्स नॉट डिफाइंड है तो एक्स तो हमारा बेसिकली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, नॉट डिफाइंड तो है ही नहीं, तो मतलब हम रेंज में से भी 0 क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारा हमें 0 कभी भी नहीं मिलेगा, हमें बेसिकली 0, ये भी एक आर का सबसेट है, ये भी आर का सबसेट है, तो इस तरह से ये भी रियल फंक्शन ही है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसके डोमेन में भी हम 0 इंक्लूड नहीं करेंगे एंड रेंज में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम डोमेन में करेंगे 0 इंक्लूड तो हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा एंड अगर हम रेंज चाहे कि हमें 0 आउटपुट मिले तो हमारा एक्स की किसी भी वैल्यू पे हमें 0 रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल फंक्शन, जिसमें से 1/x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यही एक इम्पॉर्टेंट रैशनल फंक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके।
लेट्स समराइज, जितने फंक्शन हमने पढ़े हमने कितने चार पढ़ लिए एंड हम नेक्स्ट क्लास में और तीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जो हम वैल्यू देते हैं हमें वही वैल्यू ये रिटर्न करता है, f x is equal to x, करेक्ट। एंड फिर सेकंड पढ़ा था एंड इसका ग्राफ क्या था हमारा? स्ट्रेट लाइन आता है, करेक्ट। एंड देन हमने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या आता है? हम कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, वो हमें कांस्टेंट नंबर ही रिटर्न करता है। देन हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल फंक्शन, करेक्ट। एंड पॉलिनोमियल फंक्शन में हमने क्या पढ़ा? दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये दो पॉलिनोमियल हमने फंक्शन हमने पढ़े थे, करेक्ट। दो पॉलिनोमियल फंक्शन हमने पढ़े, तो एक्स स्क्वायर का जो हमारा ग्राफ आया था कुछ इस तरह का ग्राफ था, राइट। ये क्या होता है? हमारा पैराबोला बोलते हैं जिसको, राइट। एंड हमारा एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ क्या आया था? कुछ इस तरह से था, राइट। ये हमारा इस तरह से जा रहा था, करेक्ट। तो ये हमारा एक्स क्यूब का था, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड ये हमारा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको हम इसको पैराबोला बोलते हैं इस शेप को। देन हमने पढ़ा रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन में हमने एक ही फंक्शन पढ़ा जो क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, जिसका ग्राफ कैसा होता है? जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, ये हमारा इससे कभी भी नहीं होगा कनेक्ट, बिकॉज अगर ये कनेक्ट हुआ मतलब हमारा रेंज क्या दे रहा है? रेंज हमारा जीरो दे रहा है। एंड अगर हमारा रेंज जीरो होगा तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये कभी भी कहीं पे भी एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ये भी हम कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चार फंक्शन हमने आज पढ़ लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम तीन फंक्शन और पढ़ेंगे जो कि होते हैं मॉड्यूलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो ये तीन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इसका डोमेन एंड रेंज भी मैंने अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। तो इनके इन चारों फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना एंड होमवर्क के भी क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये कवर होने के बाद इस चैप्टर का भी टेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो साथ साथ लेक्चर के साथ ही प्रिपेयर करते जाना तो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो क्योंकि इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, इसमें एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, बट सीबीएसई ने वो डिडक्ट कर दिया है ऑलरेडी हमारे सिलेबस से, तो हम वो पार्ट कवर नहीं करेंगे, हम यहीं तक ही कवर करेंगे। ओके, तो पढ़ते रहना अच्छे से एंड आई विल टेक योर लीव नाउ, ठीक है। थैंक यू।